Assalamu alaikum students, today I am starting a new topic of project evaluation, that is project financing. हमने ये चीज गो थ्रू करी कि प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कितने तरीकों के आपके पास प्रोजेक्ट होते हैं, किन किन जराये से जो है वो आप ये कैलकुलेट करते हो कि आपका ये प्रोजेक्ट आपके लिए फीजिबल है, यानी आपकी पहुँच में है या नहीं है, ये प्रोजेक्ट आपको कितना बेनिफिट या कितना लॉस प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए हमने डिफरेंट मेजरमेंट्स आपको बताए कि हम किस तरह से फ्यूचर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पे जो है वो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, हमने एक चीज़ ये भी क्लियर कर दी कि अगर प्रोजेक्ट में हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फ्यूचरबल है या नहीं है, या इस प्रोजेक्ट की कितनी वर्थ है, क्या आगे जाके फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, तो दीज ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, बट नाउ टुडे दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर प्रेस क्राइटेरिया, दैट इज द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरे लिए फीजिबल है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप में ये देख लिया कि ठीक है, मेरे लिए फीजिबल है, और लेकिन क्या इस मार्केट में इसकी वर्थ है, तो हमने डिफरेंट सिनेरियोस आपको बताए कि किन किन थ्रू से जो है वो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करने चाह रहे हैं वो आपके लिए फीजिबल तो है, लेकिन क्या मार्केट के अंदर इसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, फिर हमने डिफरेंट सर्वे कंडक्ट किए, हमने इंडिविजुअल बेस पर भी जाके सर्वे कंडक्ट किए, और इसके अलावा फिर हमने डिफरेंट फर्म्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जाकर वहाँ के मैनेजर्स से इंटरव्यू लेते हैं, या फिर हम पास डेटा के बिहाफ पर आपका कंक्लूजन देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं तो ये क्या आगे मार्केट में इसकी डिमांड कितनी एग्जिस्ट करती है, कितने आपके मार्केट कंज्यूमर्स मौजूद हैं या मार्केट डिमांडर मौजूद हैं। वंस यू स्टडीड कि योर प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल एंड देर इज़ अ मार्केट डिमांड एग्जिस्ट, देन उसके बाद फिर आपने देखा कि क्या ये फ्यूचर के लिए मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। उसमें आपने इन्फ्लेशनरी फैक्टर, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस, डिफरेंट आपके अदर फैक्टर्स जो आपकी प्रोडक्शन में के दौरान या आपके रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के दौरान जो भी आपके पास चीज़ें आएंगी, तो क्या वो आपके लिए जो है आगे जाके प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। हो सकता है अल्लाह ना करे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए और आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, तो फिर क्या होगा, अब वो जो कॉटन जितना बचा है एग्रीकल्चर सेक्टर से, अगर वो आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो हाई प्राइस पे करेंगे, और जब आप हाई प्राइस पे परचेज करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप क्लॉथ या कोई भी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो आप हाई प्राइस में सेल आउट करोगे, जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। या ये भी हमने पॉसिबिलिटी आपको बताई थी कि जैसे अगर डिमांड एग्जिस्ट करती है और क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपकी कॉटन की प्रोडक्शन हो गई, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ सप्लाई हो जाएगी उसमें इंडस्ट्रीज में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उससे क्या होगा, वो लो प्राइस में ह्यूज अमाउंट परचेज करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के सेल आउट करेंगे विद लो प्राइस। तो ये तमाम की तमाम एक्सपेक्टेशन पे हम कहते हैं कि हमें नहीं पता फ्यूचर क्या कह रहा है, लेकिन हम तमाम फैक्टर्स को इंकॉर्पोरेट करके फिर हम अपना कंक्लूजन बताते हैं कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फीजिबल भी है, इसकी मार्केट डिमांड भी है, और फ्यूचर में जाकर डिफरेंट मेजरमेंट्स के थ्रू हमने ये पता लगा लिया कि फ्यूचर में जाके ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वैल्यूएबल भी है और ये हमें प्रॉफिट भी प्रोवाइड करेगा। ये तमाम चीज़ें जो हमने अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रखी हैं, उसके बाद हमने जो हमारी फिजिकली आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जिसका होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और वो होती है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से फाइनेंस कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई भी प्रोजेक्ट ले लेना है, उसकी फाइनेंसिंग या तो आप सेल्फ पे कर रहे होगे, आपके पास इतनी अमाउंट होगी, आपके पास इतने रिसोर्स होंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू रख सकते हो, या आप किसी से लोन लेते हो इस बिहाफ पे कि आपने जो तमाम कैलकुलेशन कर लिए कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल भी होगा, ये इस प्रोजेक्ट की मार्केट डिमांड भी है और ये प्रोजेक्ट मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट भी देगा, तो उसके बिहाफ पे आपने जो है वो लोन्स ले लेते हैं बैंक से या किसी रिलेटिव से या कहीं से भी आप लोन प्रोवाइड आपको हो जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइनेंसिंग योर प्रोजेक्ट, कि आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट को आगे जो है वो गो थ्रू करें, या फिर आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए, जो एग्जिस्ट प्रोजेक्ट है आपका उसकी और फर्दर फाइनेंसिंग के लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो आपने पढ़ा होगा इक्विटी शेयर्स वगैरह जो मार्केट के अंदर होते हैं,
हम उनको लेते हैं। उसका मकसद क्या होता है बेसिकली, उसका मकसद ये होता है कि मैं किसी से एज अ प्रोड्यूसर लोन नहीं लेना चाह रही, ना मैं बैंक से लोन लूँगी और मेरे पास इतनी अमाउंट भी नहीं है कि मैं सेल्फ फाइनेंसिंग कर सकूँ। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल इशू माई शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट्स। देन वॉट विल हैपन, उसके बाद क्या होगा, होगा ये कि मेरे जो शेयर्स हैं मार्केट के अंदर जब मैं दूंगी तो कोई ना कोई इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस शेयर्स को परचेज करेंगे। वंस दे परचेज माई शेयर्स देन आई विल गेट अ कलेक्टिव वे ऑफ कलेक्टिव अमाउंट और कलेक्टिव करेंसी, वी कैन से दैट। तो वो मेरे पास एक कलेक्शन आएगी, एग्रीगेट अमाउंट में अमाउंट आएगी मेरे पास, तो उससे फिर मैं अपने प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ कोई भी जो एज अ प्रोड्यूसर वहाँ पर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करने लगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस, क्योंकि आपने तमाम बाकी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्टेशन पे लगा दी, अब आपने जब उस फिजिकल अपीयरेंस का वक्त आया तो वो कैसे पॉसिबल होगा प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए। और हमने आपको बताया कि प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है, या तो आप जो है वो अपने सेल्फ पे कर लें, आपके पास खुद इतनी रिसोर्स है कि आप उसके बिहाफ पर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कर सकते हैं, या आप जो है वो किसी से लोन ले सकते हैं, या फिर आप अपने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करके एज अ ओनर जो है वो मार्केट में सेल आउट करें और उससे फाइनेंसिंग करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, जाहिर है अगर मैं एक इंडस्ट्री ओपन करने जा रही हूँ या मैं एक छोटा सा फर्म भी ओपन करने जा रही हूँ, दैट इज़ माई प्रोजेक्ट, और उसकी फाइनेंसिंग के लिए मुझे मतलब मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, मुझे लेबर्स चाहिए होंगे, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, तो उसकी मुझे फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। उसकी फाइनेंसिंग के लिए हमने जो है वो या तो सेल्फ पे आप काम कर रहे होते हैं, या फिर आप डिफरेंट लोन्स या फिर शेयर्स के थ्रू मार्केट के अंदर प्रिवेल करता है। International Project Finance Association, that is IPFA, define project financing. You define karte hain project financing how? The financing of long-term infrastructure, industrial projects and public service based upon our non-reduced or limited resources, financial structure, where project debt and equity used to finance the project are paid back from the cash flows generated by the project. हमने कहा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, अपने प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, यानी बहुत बड़ी मतलब अरसे के लिए, मोर देन 5 ईयर्स के लिए अगर मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, चाहे मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या मुझे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो या पर पब्लिक सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट जो है वो अपने बिहाफ पर जो है वो लोगों को डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक हेल्थ सर्विस, स्कूल सर्विस, ड्रिंकिंग वाटर सर्विस एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग की, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या तो अपने सेल्फ पे, यानी जो उसे टैक्स कलेक्शन की होगी अपने कंज्यूमर्स से, अपने प्रोड्यूसर्स से, उनसे टैक्स कलेक्शन की होगी, या तो उसके बिहाफ पे वो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेंगे, या उन्होंने दो वर्ड्स यूज़ किए, डेट, इट मीन्स कि दे हैव टू टेक द लोन्स फ्रॉम द बैंक और एनीवन एल्स, और या फिर वो इक्विटी के थ्रू, यानी गवर्नमेंट जो है अपने शेयर्स या अपने बॉन्ड्स जो है वो मार्केट के अंदर इशू करेंगे, ताकि एक बल्क अमाउंट में उस एक बल्क क्वांटिटी में उनके पास अमाउंट आए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकें। बट इसमें एक चीज़ जो आपको बहुत मैटर करती है, दैट थिंग मैटर्स अलॉट, वेयर वी कैन से दैट द प्रोजेक्ट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट पर्पज़। You cannot say that this is the project for non-development purpose. Like, अगर मैं schools या hospital open कर रही हूँ तो इसका मतलब है मैं अपनी economy की development के लिए काम कर रही हूँ, मैंने एक ऐसा project पे काम कर रही हूँ जिसपे जो है वो मुझे लगता ये है कि एक ऐसा project है मेरे पास जो जिसपे मुझे ये लगता है कि ये डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, लाइक मैं स्कूल ओपन करूँगी तो मेरी इकॉनमी लिटरेट होगी, मेरी इकॉनमी के अंदर एजुकेशन इंक्रीज होगी, मेरे जो वर्कर्स हैं वो स्किल वर्कर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दैट इज़ द डेवलपमेंट पर्पज़। इसका मतलब है वो फ्यूचर में जाके मुझे एफिशिएंटली आउटकम देंगे, वो मुझे आउटकम देंगे पॉजिटिव वे में,
लेकिन अगर मैंने डेट यानी लोन लिया हुआ है और मैं खसारे में जो है वो चलती चली जा रही हूँ, उसकी वजह ये है कि मैंने काम किया है नॉन डेवलपमेंट वर्कर्स के लिए। अब जैसे अगर मैंने ब्रिज बना दिया तो वो ब्रिज मुझे फ्यूचर में जाके कोई आउटकम नहीं दे रहा, ठीक है। अब मुझे उस अगर वो फ्यूचर में जाके मुझे कोई आउटकम या आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो इसका मतलब है वो लोन मुझ पर चढ़ता चला जा रहा है। तो याद रखें, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट तरीके के होते हैं एंड यू नीड टू कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट। अगर आप नॉन डेवलपमेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ये फ्यूचर में आपको कोई आउटकम नहीं देगा, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट डेवलप प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपके डेट को रिड्यूस ज़रूर करेगा, ठीक है। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो काम करती हैं, वो डेवलपमेंट अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए काम करती हैं बिकॉज दे आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। तो उनको ये पता होता है कि फ्यूचर में जाकर जो है वो हमें प्रॉफिट मिलेगा, और इसी बिहाफ पे जो है जो लोन प्रोवाइडर होता है, जो लेंडर होता है, वो प्रोवाइड भी कर देता है। उनको पता होता है कि इस इंडस्ट्री को अपनी फाइनेंसिंग के लिए ज़रूरत है और ये इंडस्ट्री बहुत ओवर द टाइम बहुत अच्छी चल रही है, इनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो इट मीन्स कि दे विल गिव मी माई रिटर्न। तो वो उनकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उनका रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो याद रखें, प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए अगर आप सेल्फ पे काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड कि आप नॉन डेवलपमेंट में भी स्पेंडिंग कर रहे हो और डेवलपमेंट पे भी, लेकिन अगर आप डेट के थ्रू या इक्विटी के थ्रू आप अपनी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो याद रखें कि वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए होना चाहिए, नॉन डेवलपमेंट पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉन डेवलपमेंट पर्पस आपको फ्यूचर में कोई आउटकम या कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगी। Project finance is especially attractive to the private sector because they can fund major projects of balance sheet. ठीक है, जो project finance हम कहते हैं, project finance हम basically पढ़ रहे होते हैं because of more attractive for the private sector. ठीक है ना, उनको ये पता होना चाहिए कि जो project है, वैसे तो ये public sector के लिए project financing जो है वो आप पढ़ते हो और फाइनेंस पढ़ते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए इसलिए होता है बिकॉज उनको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से उनके प्रोजेक्ट के लिए फंड्स आएंगे और कहाँ कहाँ पर उनको स्पेंडिंग करनी है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेट एंड इक्विटी एंड वी कैन से दैट ब्रॉड सोर्स अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग। ये दो सोर्सेस, एक ब्रॉड सोर्सेस हैं जो कि अवेलेबल होते हैं आपके लिए मार्केट के अंदर for the purpose of financing each and everything. If you want to finance your project, you can. If you want to finance your industry, you can. If you want to finance your organization, your economy, you can easily avail these two types of sources. Let's take the difference between debt and equity. Number one is, first of all, you need to understand what is debt and equity. Debt, funds owed by the company towards another party is known as debt. फंड्स जो होती है वो कोई भी कंपनी अगर किसी पार्टी से या किसी कंपनी से या किसी बैंक से या कहीं या गवर्नमेंट से के अदारे से लोन ले रही है या रिसीव कर रही है कोई अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग देयर प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड डेट। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विटी, फंड्स रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स इज नोन एज इक्विटी। अपने फंड्स को, जो मेरा एग्जिस्टिंग फंड्स है, उसको रेज करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर इशू करा दूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड माई इक्विटी। ठीक है, ये मेरा इक्विटी होगा कि मैं अपने फंड्स को जो है वो रेज करवा रही हूँ, तो इक्विटी में आपके पास काउंटेबल होगा बिकॉज आई एम इशूइंग माई शेयर्स और आई एम इशूइंग माई बॉन्ड्स। लेकिन अगर मैं अपने फंड्स किसी से ले रही हूँ, अपने लिए फंड्स ले रही हूँ ताकि मैं फाइनेंस करूँ अपने बिजनेस को, तो दैट इज़ कॉल्ड डेट। वट इज़ इट, फंड्स वो डेट जो होते हैं वो आपके लिए लोन फंड्स होते हैं, ठीक है, या बेसिकली ये वो फंड्स होते हैं आपके पास जो आप लोन के थ्रू ले रहे होते हो, और ये जो होते हैं इक्विटी जो होते हैं वो ओन फंड्स होते हैं, आपके अपने बनाए हुए फंड्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली दोनों ही आपके लिए लाइबिलिटी हैं बिकॉज यू हैव टू पे ऑफ इन फ्यूचर, बट नाउ ये आपके लिए जो है प्रॉफिटेबल इन अ सेंस है कि आप जो है अपने फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर फाइनेंसिंग अपने प्रोजेक्ट की ईजिली कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिगेशंस, ओनरशिप, इसके अंदर आपकी क्या हो जाती है, ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, बट यहाँ पर आपकी खुद की ओनरशिप होती है। लाइक लेट सपोज आपने शेयर्स इशू किए, ठीक है, अब जैसे आपने लेट सपोज पहले हम डेट की बात करते हैं, अगर तो डेट के लिए आपने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया,
और 1 लाख का आपने लोन लिया और आपने कहा बैंक से कि ठीक है हम आपको 1 साल बाद जो है प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए भी देंगे और प्लस 10% यानी 10,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी दे देंगे, दैट इज योर रिटर्न। बैंक ने कहा ठीक है, बट लेट सपोज अगर आपको 1 साल बाद लॉस हो गया आपकी कंपनी को और आप 1 लाख रुपये देने के काबिल नहीं रहे, तो इन दैट केस जो है वो आप क्या करोगे, यू हैव द ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू पे ऑफ, अदरवाइज जो बैंक वगैरह होते हैं वो आपके लिए जो है सीरियस नोटिस लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑब्लिगेशन। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, लेट्स सपोज आई एम इशूइंग माई शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ फंडिंग और फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, तो उसमें क्या होगा, अगर लेट्स सपोज 1 साल बाद मुझे लॉस भी होता है तो मेरे शेयर्स की प्राइस क्या होगी, गिर जाएगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं बल्कि वो तमाम इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स जिन्होंने मेरा जो शेयर से परचेज किया था वो तमाम वो लॉस बेयर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये ओनरशिप बेस होती है कि हाँ ठीक है शेयर की प्राइस गिरेगी तो आपको वो चीज़ पे ऑफ नहीं करनी पड़ेगी, लो प्राइस वो भी पेयर करेंगे, लेकिन यहाँ आपकी ऑब्लिगेशन स्टार्ट होती है कि यू हैव टू पे द प्रिंसिपल प्लस रिटर्न अमाउंट। टर्म कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म, ये ज़्यादा अरसे तक के लिए नहीं होता बिकॉज आप किसी और पार्टी से या किसी और बैंक से जो है वो लोन ले रहे होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि इक्विटी जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म पीरियड पे भी चलता है। स्टेटस ऑफ होल्डर्स, स्टेटस क्या होता है, यहाँ पर जो होल्डर्स होते हैं जिनसे आप डेट लेते वो लोन्स लेते हो, दे आर लैंडर्स, और जो इशू करता है आपके पास वो प्रोप्राइटर्स होते हैं। रिस्क, डेट में रिस्क लेस है और इक्विटी के अंदर रिस्क जो होता है वो आपके पास हाई होता है। रिस्क बेसिकली इन अ सेंस कि आपको पता है कि डेट में आपको फ्यूचर में 1 लाख रुपए के साथ जो है वो आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट के साथ रिटर्न अमाउंट भी देनी है उसको, यानी आपका इंटरेस्ट रेट भी देना है, तो आपको इसकी नो हाउ है कि इतना रिस्क तो आपने बेयर लिया। लेकिन इक्विटी के अंदर रिस्क बहुत हाई होते हैं, हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो है वो रिटर्न मिल जाए, ठीक है, या हो सकता है आपके पास रिटर्न जो हो वो इन टर्म ऑफ नेगेटिव अमाउंट हो, तो वो दोनों चीज़ें आपके लिए जो है इकोनॉमी के लिए आपके लिए सुइटेबल या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक इंडस्ट्री के लिए बहुत सुइटेबल नहीं होती। इसलिए यहाँ पर जो होता है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है इक्विटी के केस में, तो इस वजह से यहाँ रिस्क हाई होता है और डेट की तरफ रिस्क जो होता है आपका लो होता है। टाइप्स, टर्म लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, जबकि यहाँ शेयर्स एंड स्टॉक्स होते हैं। रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट आप पे ऑफ कर रहे होते हो, जबकि यहाँ आप डिविडेंड के थ्रू जो होती है वो रिटर्न की पेमेंट होती है। डिविडेंड क्या होता है, या पढ़ चुके होंगे बट मैं अगेन आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि जैसे इंटरेस्ट शुरू होता है वो ये होता है कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपये आपने बैंक से लोन लिया, प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो, और अगर 10,000 रुपये बैंक ने कहा कि आप 1 साल बाद हमें प्रिंसिपल प्लस 10,000 रुपीज़, दैट इज़ योर इंटरेस्ट रेट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, या वो कह दे 10% आपने जो है वो अमाउंट देनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। तो इसका जो रिटर्न होता है इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है। डिविडेंड का ये होता है कि लेट सपोज मैंने शेयर्स अपने इशू किए और मेरे शेयर्स की प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर इंक्रीज हो गई। अब शेयर्स की प्राइस मार्केट के अंदर क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी बढ़ी है, उसकी डिमांड भी बढ़ी है, उसकी सेलिंग बढ़ी है और मुझे प्रॉफिट बहुत हुआ है, तो मुझे मेरी फर्म का प्रॉफिट हाई होता है, इट मीन्स कि मेरे शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है। अब उसमें होता ये है कि शेयर्स की प्राइस बढ़ने से मुझे यहाँ पर भी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर होता है उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको जब प्रॉफिट का एक मार्जिन मिलता है तो वो प्रॉफिट का कुछ मार्जिन जो है होता है वो अपने शेयर होल्डर को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है डिविडेंड। नेचर ऑफ रिटर्न, फिक्स्ड एंड रेगुलर, ये आपके लिए फिक्स्ड होती है, मैंने कहा ना 1 साल बाद आपने एक फिक्स अमाउंट उसको रिटर्न करनी है, लेकिन इसमें क्या होता है इक्विटी के अंदर वेरिएबल यानी वेरी करती है, ये चेंज होती रहती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, हो सकता है आपको कोई जीरो डिविडेंड मिले या आपको हाई डिविडेंड मिले या फिर आपकी शेयर्स की प्राइस इतनी लो हो जाए कि अब आपको लॉस ही होना शुरू हो जाए, तो इसमें वेरी करती है, जबकि यहाँ पर अमाउंट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। कोलैटरल, एसेंशियल टू सिक्योर लोन्स बट फंड्स कैन बी रेज अदरवाइज, यानी आपके पास यहाँ पर जो होते हैं वो आपके पास सिक्योर लोन्स होते हैं, यानी आप अपने फंड्स को रेज करने के लिए डिफरेंट सिक्योर लोन लेते हैं, यहाँ पर आपके पास कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
key factors in determining the debt equity ratio. डेट इक्विटी रेशो जो है वो आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स आप डिटरमाइन करते हैं. नंबर फर्स्ट इज कॉस्ट. बेसिकली कॉस्ट पे आपके पास डिपेंड करता है कि आपका डेट इक्विटी रेशो क्या है. अगर कॉस्ट जो है उसकी प्राइस बहुत हाई है तो इट मीन्स आपका कॉस्ट डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बॉन्ड्स लेने की सेल आउट करने की ज़रूरत है, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से लोन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको प्रोडक्शन के लिए आपकी कॉस्ट हाई बेयर करनी पड़ेगी. तो कॉस्ट मैटर्स अलॉट. यानी इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो शेयर्स के सेंस में आपके पास आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करनी पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके पास कॉस्ट डेट इक्विटी रेशियो में इम्पैक्ट आता है. नेचर ऑफ एसेट्स. डिफरेंट नेचर आपके पास एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, वेरिएबल एसेट होते हैं, तो उस नेचर पर भी डिपेंड कर रहा होता है. बिजनेस रिस्क. आपके पास डिफरेंट बिजनेस रिस्क भी इसके अंदर होते हैं. हमने कहा ना आपको कि डेट के केस में लो रिस्क होता है आपके पास और इक्विटी के केस में हाई रिस्क होता है. बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी. बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी होती है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी एग्जांपल दी कॉटन इंडस्ट्री की, कि अगर लेट सपोज अनसर्टेनिटी की वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया कि भाई कॉटन जो है उसका जो पूरी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो व्हाट विल हैपन. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि कॉटन इंडस्ट्री को वो चीज़ कॉस्टली मिलेगी और फिर इस केस में उनको रिस्क है कि उनको आगे जाके लॉस हो. या ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन अच्छी हो तो वो उनकी सप्लाई की वजह से उनको जो है वो हाई प्रॉफिट हो. नॉर्म्स ऑफ लेंडर्स. कंट्रोल कंसिडरेशन एंड मार्केट कंडीशन. ये तमाम के तमाम जो आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली आपकी डेट और इक्विटी रेशियो पे डिपेंड कर रहे होते हैं. कि भाई अगर मार्केट कंडीशन आपके पास आपको पता है कि भाई मैं जो हूँ वो अपने शेयर ज़्यादा मुझे बढ़ाने चाहिए क्योंकि मार्केट की डिमांड है मेरी प्रोडक्ट की और मेरे पास अभी फाइनेंसिंग के लिए अमाउंट नहीं है तो मैं अपनी इक्विटी ज़्यादा कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा आपके पास आप स्टेबिलिटी आएगी. लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट कंडीशन जो है वो बेटर नहीं है, वो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं कर रही, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप शेयर्स मार्केट के अंदर दें या फिर आप डेट्स फेस करें. आपका कंट्रोल कंसिडरेशन कितना है, यानी आप अपने बिजनेस को कितना कंट्रोल आपके अंडर कंट्रोल है और कितना अंडर कंट्रोल नहीं होता. दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो आपके डेट और इक्विटी रेशियोज को डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉस्ट, सेकेंड इज नेचर ऑफ एसेट्स, थर्ड इज बिजनेस रिस्क, norms of lenders, control consideration and market conditions. ये तमाम के तमाम factors जो हैं basically आपके पास आपके debt और equity ratio के में better role play करना. source of finance. आपके पास different sources होती हैं financing के लिए. एक होती है आपके पास internal source और दूसरी आपके पास होती है external source. ठीक है, हमने डेट की बात कर ली, हमने शेयर्स की बात कर ली, ये तमाम के तमाम आपके एक्सटर्नल सोर्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल सोर्स. के इंटरनल सोर्स में आपके पास क्या चीज़ें आती हैं. आप अपने कहीं से लोन ना लें, आप कोई शेयर्स इशू ना करें, आपको कोई बॉन्ड्स इशू करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही प्रॉफिट के थ्रू जो है फर्दर प्रोडक्शन कर लें, या आप अपने सेल्फ पे जो आपको इनहेरिट है अमाउंट जो भी है वो उसको जो है वो आप यूज़ कर लें फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग मोर प्रोडक्शन. ठीक है ना, सेल्फ पर आप काम करें तो वो कहलाती है इंटरनल, यानी बिजनेस के अंदर के मामला. पहले आ जाती है रिटेन प्रॉफिट. रिटेन प्रॉफिट ये होता है कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा आप उस इन द लास्ट ऑफ द ईयर, इन द लास्ट ऑफ द मंथ आप उसको कन्वर्ट कर दें फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन. तो दैट इज़ योर रिटेन प्रॉफिट, कि आपने अपने प्रॉफिट को अगेन जो है फर्दर प्रोडक्शन के लिए कन्वर्ट करा दिया, यानी आपको इतना प्रॉफिट हुआ कि अब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए. सेकेंड आपके पास ऑप्शन होता है सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स. या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, एक्स्ट्रा एसेट्स पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा मशीनरीज पड़ी हुई है, आपके अपने पास ऐसे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं जो अभी आपके लिए यूटिलाइजेशन पे नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है कि वो ठीक कंडीशन में, तो आप उनको सेल आउट करके और अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने की कोशिश करें. थर्ड है आपके पास कट डाउन स्टॉक लेवल. अपने स्टॉक लेवल्स को आप क्या करें, कट डाउन करें, यानी अब आप ये करें कि जो आपने वेयर हाउसेस बनाए जहाँ प्रोडक्शन करने के बाद स्टॉक कर रहे थे, तो आप ये काम ये करें
कि अब आप स्टॉक लेवल को कम करें, आप इतनी ही प्रोडक्शन करें कि बस फ़ौरन ही सप्लाई हो जाए और आपको फौरी तौर पर जो है वो प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, आप स्टॉक लेवल की तरफ मत जाएं। ठीक है, ये तो होते हैं अंदर के मामलात कि हम इस तरीके से फाइनेंस कर सकें। लेकिन लेट सपोज अगर मुझे रिटेन प्रॉफिट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको मैं सेल आउट करके फाइनेंसिंग कर सकूँ, या मेरे पास स्टॉक ही नहीं है कि मुझे तो अभी ऐसी प्रोडक्शन करनी है कि भाई मैं प्रोडक्शन करूँगी, सेल करूँगी, तब मेरे पास अमाउंट आएगी, अदरवाइज मेरे पास अभी फाइनेंसिंग के लिए कुछ भी नहीं। तो फिर हम जब ये तमाम तीनों चीज़ें नहीं होती तो हम देन मूव करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की तरफ। एक्सटर्नल सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस करने के लिए, शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ग्रांट्स, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं आपके पास लॉन्ग टर्म होती हैं। यानी शेयर्स जो मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट के अंदर आपने इशू कर दिया, डिबेंचर्स बेसिकली कंपनी के अपने बॉन्ड्स वगैरह हों या लॉन्ग टर्म बैंक के बॉन्ड्स हों, लोन्स हों, वो आप ले लें, लॉन्ग टर्म पेमेंट्स आप करती हैं। ये डिफरेंट ग्रांट्स कभी कभी जो होता है वो फाइनेंसिंग जो है वो गवर्नमेंट भी आपके साथ कर लेती है, गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देती है, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे देती है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, डिफरेंट एस्पेक्ट से गवर्नमेंट हेल्प आउट कर रही होती है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के तौर पर फाइनेंस कर सकें। देन मूव टू वर्ड द मीडियम टर्म, आप लीजिंग के थ्रू हायर परचेज मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं, शॉर्ट, ये सब तमाम चीज़ें जो आप अकाउंटिंग के उसमें एस्पेक्ट से पढ़ चुकी होंगी। शॉर्ट टर्म में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक लोन होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, डेट फैक्टरिंग होती है, ये तमाम की तमाम आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए होती हैं। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर आप जिसका फोकस करेंगे वो होगा इंटरनल फाइनेंस। अगर इंटरनल फाइनेंस आपको फेल कर देती है आपके प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए, देन आप मूव करते हैं एक्सटर्नल फाइनेंस की तरफ। Internal accruals means all such monies that are generated from operation of the various modules prior to the project code, which after paying for the operating costs and any debt service costs which are not included in the project cost and funded out of such monies in relation to the project are freely available to the borrower for utilization toward project cost. Internal accruals क्या होती है, वो तमाम money जो कि आपके पास आफ्टर ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपको जो मिल रही होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एक्रुअल। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर आर फ्रीली अवेलेबल टू द बॉर्डर फॉर यूटिलाइजेशन टूवर्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये जो आपके पास फंड्स होते हैं, ये जो आपके पास अमाउंट होती है, ये जो आपके पास पैसे होते हैं, मनी होती है, ये बेसिकली अवेलेबल होती है तमाम बॉर्डर्स के लिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को फाइनेंस कर सके, उसे बेटर तौर पर यूटिलाइज कर सके। But there are some advantages or disadvantages of internal accrual. Number one is advantages. Retained earnings are easily available internally. ज़ाहिर है अगर मैं profit maximizer हूँ तो मैं अपनी retained earning, मुझे profit तो हो रहा होगा, अपनी तमाम retained earning को मैं, वो मेरे पास internally available होगी और मैं उसको further production के लिए utilize कर सकती हूँ। It eliminates issues and transaction cost. No dilute of control. ठीक है, तो आपके पास ये तमाम के तमाम इश्यूज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि अब आपने नेगोशिएट नहीं करना, ना आपने किसी बैंक के पास जाना है, ना आपने इंडिविजुअल्स लोगों से मिलना है, ये आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करती है और ये आपके अंडर कंट्रोल रहेगी। इसका ये नहीं है कि आपने यू हैव टू पे ऑफ दिस, नो, देयर इज़ नो नीड टू पे ऑफ इट बिकॉज दिस इज़ योर ओन मनी, दिस इज़ योर ओन प्रॉफिट। तो आपके पास कोई आके खड़ा नहीं हो जाएगा कि आप हमारे जो लोन आपने लिया था उसकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हमें दें, बिकॉज आपने तमाम जो मामलात हैं वो इंटरनल वे में रिजॉल्व कर लिए। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, अमाउंट दैट कैन बी रेज बाय वे ऑफ रिटेन अर्निंग इज लिमिटेड। तो एक बात ये याद रखिए, जो हमें रिटेन अर्निंग से जो अमाउंट हमारे पास आती है वो बहुत लिमिटेड होती है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हमारे लिए हम उतनी ही हो जितनी हमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, मे बी इट विल बी लेस। तो फिर क्या होगा, फिर वो हमारे लिए किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम करामद इतना नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज क्वाइट हाई, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, बट मैं यहाँ पर एक दफ़ा क्लियर कर दूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि यू हैव टू ऑप्शंस, टू बेस्ट ऑप्शंस, एंड यू विल चूज
नंबर वन ऑप्शन विच इज बेस्ट फॉर यू एंड फॉर गोन द अदर बेस्ट रिटर्न. आपने एक बेस्ट को चूज करना है और दूसरे बेस्ट को फॉरगोन कर देना है, यानी एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को आपने खोना पड़े. अब ये रिटर्न अर्निंग, अगर आप प्रोजेक्ट के लिए, आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप उसको अपनी फैमिली में एंजॉय करते, आप अपने जो घर के मामला आते हैं उसको रिजॉल्व करते, उन पैसों से जो घर की ट्रांजेक्शन होती है वो कर लेते. लेकिन अब आपने क्या किया, उन तमाम के तमाम पैसों को आपने कहाँ पर, बिजनेस पे लगा दिया. अब आपके घर के मामला किस तरह से चलेंगे, तो ये आपके लिए एक ट्रबल वाली बात है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो आपके लिए क्वाइट हाई होती है. इक्विटी फाइनेंस. इक्विटी फाइनेंसिंग इज व्हेन अ कॉर्पोरेट सोर्स फंड्स फ्रॉम एन इन्वेस्टर हु एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स शेयर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फिक्स रिटर्न और इंटरेस्ट रेट. ऑब्वियसली सी बात है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट सोर्स फंड होती है एक इन्वेस्टर के लिए, जो कि एक एग्री होता है प्रॉफिट और लॉस के लिए कि ठीक है, अगर आपकी जो शेयर्स आपने इशू किया अगर वो मार्केट के अंदर उसकी प्राइस लो हो गई तो शेयर्स की प्राइस लो हो जाएगी तो आई विल रिसीव लॉस, और अगर शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो आई विल रिसीव प्रॉफिट. और इक्विटी फाइनेंसिंग जो होती है वो बेसिकली आपकी कॉर्पोरेट सोर्स ऑफ फंड्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए होता है. देयर आर सम एडवांटेजेस परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, आप देखते होंगे डिफरेंट शेयर्स मार्केट के अंदर, अभी भी आप स्टॉक मार्केट समरी निकाल कर देखें तो डिफरेंट मार्केट्स के डिफरेंट शेयर्स हैं और वो एक अर्से से चले आ रहे हैं, तो ये परमानेंट सोर्स होती है आपकी फाइनेंसिंग के लिए. कभी अप एंड कभी डाउन मूवमेंट हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है. नो ऑब्लिगेटरी डिविडेंड. इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो जो भी प्रॉफिट हो उसका डिविडेंड जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर में दें, लेकिन देंगे तो अच्छा है, अट्रैक्टिबल है, आपके और ज़्यादा शेयर होल्डर बढ़ेंगे. ओपन चांस ऑफ बोरोइंग. आपके पास ओपन चांस होता है कि आप बोरोइंग कर सकें, यानी एक इन्वेस्टर के लिए, वो एक प्रोड्यूसर के लिए ये ओपन चांस ऑफ बोरोइंग होता है. रिटेन अर्निंग, आपको रिटेन अर्निंग यानी फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो सकता है. राइट शेयर्स, मतलब राइट शेयर्स जो है वो आपके पास आप चूज करो, देन यू विल गेट द इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर दैट. डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स हो सकता है, नो टैक्स शील्ड हो सकती है, अंडर राइडिंग ऑफ द शेयर्स हो सकता है, डायल्यूट ऑफ कंट्रोल, नो बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड. तो इक्विटी यानी हर एक फाइनेंसिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो हमने जो है डिसएडवांटेजेस हमें पता है और अगर ये हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं या हम इनको फेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू मूव दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग. अदरवाइज जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो हमारे लिए किसी हद तक आराम आदि हो सकते हैं जब तक हम डिसएडवांटेजेस से फाइट ना कर सकें. सोर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल, पर्सनल सेविंग भी हो सकती है आपके पास, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, एंजल्स यानी फरिश्तों के थ्रू भी आ सकता है, पार्टनर्स, स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज से भी आप जो है आप देखते होंगे माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक वगैरह भी ओपन हुए, छोटे छोटे पैमाने पे वो आपको लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं. वेंचर कैपिटल कंपनीज, माइनॉरिटी फाइनेंसिंग सोर्स, बैंक एंड क्रेडिट यूनियंस, ये तमाम के तमाम आपके पास सोर्सेज होते हैं जो कि आपके पास हेल्प आउट करते हैं आपके इक्विटी कैपिटल के. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, और इंशाल्लाह ताला दिस चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ योर लास्ट स्लाइड. तो अगर कोई भी इशू हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो काइंडली फील फ्री टू आस्क मी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.